आजकल एक और दिक्कत हो रही है कि किसी को सांवला अगर ऐसे लक्षण एलोवेरा लगते हैं और वो वीटा टेस्ट कराने के ग्रास लिए जा रहा है, उसके बाद टेस्ट की रिपोर्ट मिलने में उस व्यक्ति को कम से कम तो 2 से 3 दिन लग जाते हैं। तो इस दौरान क्या करना है? वैसे तो डॉक्टर्स बताते हैं कि दवाइयां आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि कोई भी लक्षण को आप आजकल मान कर चलिए कि हो सकता है कि COVID-19 का ही लक्षण हो। तो इस दौरान लोग क्या कर सकते हैं ताकि वो तैयारी एक तरह से कर लें, अपने शरीर को स्वस्थ और ज्यादा तैयार रखें? ये आपने एक अहम बात पूछी। 3 से 5 दिन लोगों को लग रहे हैं टेस्ट का पता लगने में, और तब तक उस व्यक्ति से कई बार तो पूरा परिवार संक्रमित हो जाता है। तो पहली बात तो यह है, किसी को भी सर्दी जुकाम और ये कोरोना के अब लक्षण सारे देश को पता लग गया है, ऐसी परिस्थितियों में जिसको भी सर्दी जुकाम हो, गला खराब हो जाए, फीवर उतरे नहीं, तो ऐसी परिस्थितियों में उसको अपने आप को होम क्वारंटीन करके सबसे पहला काम उसको प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए। दूसरा, उसको गिलोय का, तुलसी का काढ़ा, उसमें जिनको कोरोना हो चुका है वे थोड़ा उसमें काली मिर्च, हल्दी, अदरक और दालचीनी, अश्वगंधा ये सब डाल सकते हैं, थोड़ा उसके अंदर बुलेठी डाल सकते हैं, और दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश, या डायबिटिक पेशेंट हैं तो च्यवनप्रभा का सेवन कर सकते हैं। शेष लोगों को कम से कम ये 5-7 प्राणायाम, ये तो मैं कहूंगा कि सबके लिए रामबाण है। भस्त्री का कपाल भाती उज्जायी, और होल्ड भी करना चाहिए इसमें 10 से 20 सेकेंड। अनुलोम विलोम ये तो जरूर करने चाहिए। अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी उद्गीत, ओम शीतल शीतकारी, इसके अलावा अब सबसे ज्यादा आफत है इसमें, एक तो अस्थमा के पेशेंट्स की, वो तो प्राणायाम तो करें ही करें तो उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा रहेगा, दूध में हल्दी शिलाजी च्यवनप्राश लें, श्वासारी का, श्वासारी गोल्ड का, श्वासारी प्रवाही का, श्वासारी क्वाथ का सेवन करें। उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है बीपी के पेशेंट, आज उसके लिए हमने सबसे पहले बताया था कि वो सिरोधारा करें, वो जो है आम फूट बांध लें, वो हिप बांध लें, वो स्पाइन बांध लें, वो मिट्टी पट्टी रख लें पेट के ऊपर और माथे के ऊपर, वो जो है ठंडे पानी से स्नान करें और अपने मन को शांत रखें, स्पाइन के ऊपर आइस मसाज भी कर सकते हैं, जबरदस्त रिजल्ट आता है। लेकिन इससे भी ज्यादा क्रिटिकल पोजीशन होती है शुगर के पेशेंट्स की, तो आज मैं शुगर के लिए भी आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, क्योंकि शुगर के पेशेंट्स के ऊपर भी कोरोना का सबसे ज्यादा खतरा रहता है, और जो एलोपैथी की दवाइयां लेते हैं और कोरोना का भी अपने आप में कॉम्प्लिकेशन है, खासकर के रेमडेसिविर जैसी दवाइयां लेते हैं और इससे एकदम से शुगर शूट कर जाता है, 300-400 तक शुगर पहुंच जाता है, तो क्या करें? इसके लिए 5-7 आसन मैं जरूर बताना चाहता हूं, और आम आदमी भी इसको करेंगे तो उनके पूरे वाइटल ऑर्गन, लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन, लंग, हार्ट, ब्रेन, ये पूरे हेल्दी रहेंगे। तो ये एक बहुत जबरदस्त अभ्यास है 5 से 7 आसनों का, सबको कर लेना चाहिए, और इससे पूरे हमारे वाइटल ऑर्गन्स वो इतने स्ट्रोंग रहेंगे कि कोरोना अटैक भी करेगा तो खुद को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो ये मंडूक आसन, और इसमें कपालभाति साथ में करें, आसन प्राणायाम अपने और स्वयं के रोग मुक्त होने का संकल्प ध्यान, आसन प्राणायाम ध्यान, ये योग की त्रिवेणी हो जाती है एक तरह से, ऐसे ये मुंडूक आसन करें, ऐसे ये शशक आसन, मंडूक आसन बहुत ही जबरदस्त है, मंडूक आसन के 2 अभ्यास, और एक आसन में 1-2 मिनट से लेकर के हम 5-10 मिनट तक रोगी से ऐसे करवाते हैं, ठहराते हैं उसको एक आसन में, और डायबिटीज के पेशेंट को नॉन डायबिटिक करते हैं। खास बात यह है श्वेता जी, हम टाइप 1 डायबिटीज जिनकी HbA1c माने एवरेज शुगर जो है जिनकी 12-13-14 तक पहुंच गई थी, उनको हमने 5-6 तक पहुंचाए, ये दुनिया के इतिहास में पहली बार घटना हुई है। 2 मिनट से लेकर के विशेष परिस्थितियों में हम मंडूक आसन, शशक आसन, योग मुद्रा आसन 2 मिनट से लेकर 10 मिनट तक करवा देते हैं। जब ये आगे झुकते हैं तो सांस बाहर छोड़ते हैं,
पहले तो अपने घर पर ही रह करके शुगर को कंट्रोल करें, खीरा करेला टमाटर का जूस, चिरायता कुटकी गिलोय गुड़मार और सदाबहार इनका जूस पिला देते हैं। मधुनाशिनी खाली पेट मधु ग्रेट खाने के बाद देते हैं, ये अभ्यास कराते हैं 2 से 3 बार औषधि का सेवन। अब अर्धमत्स्यन्द्रासन इस प्रकार से, ये जो मैं अभ्यास बता रहा हूं ये सबसे शायद ये हो ना पाएगा अर्धमत्स्यन्द्रासन, तो वक्रासन कर ले। ये अभ्यास 2 से अधिकतम 10 मिनट तक करा के, डायबिटीज के पेशेंट को हमने नॉन डायबिटिक किया है, बीपी के पेशेंट तो प्राणायाम करके ठीक हो जाते हैं, थोड़ा बहुत जरूरत पड़े तो उनको हम जो है लौकी का जूस और मुक्तावटी खाली पेट बीपी किट खाने के बाद दे देते। ये जबरदस्त है डायबिटीज के लिए भी और सब रोगों के लिए, माने हेल्दी रहने के लिए भी जरूरी है। रोज पौन मुक्तासन कपालभाति के साथ करो, लोग जनरली ऐसे 10-20 सेकेंड कर लेते, इससे बात नहीं बनेगी। 2 से लेकर के 5 मिनट और बहुत ही क्रिटिकल शुगर है, क्रोनिक शुगर है, जेनेटिक शुगर है, उसको भी हमने क्रोनिक क्रिटिकल जेनेटिक बीपी शुगर थायराइड को हमने ठीक किया है, यही अभ्यास करा के।